आज मैंने बनाई है चटपटी फ्राई आलू बैंगन की सब्जी। तो चलिए बनाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बैंगन बड़े साइज का और दो आलू, इनको हम काट लेंगे। पहले हम आलू को छील लेंगे। आलू छील लिए हैं, अब इनको स्क्वायर पीस में हम कट कर लेंगे। ऐसे दो पीस कर लेंगे पहले, फिर इस तरीके से हम डाइस से काट लेंगे आलू के। आलूओं को मैंने कट कर लिया, अब मैं बैंगन को कट कर लेती हूँ। पीछे का डंठल की जगह निकाल देंगे। अब इनको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे और इनके हम स्क्वायर पीसेस निकालेंगे। इस तरीके से स्क्वायर पीसेस निकाल लेंगे, जिस तरीके से हमने आलू काटे हैं डाइस में, उस तरीके से बैंगन भी काट के हम रेडी कर। बैंगन भी कट कर लिया, अब इनको हम फ्राई कर। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया, सबसे पहले हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे और हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए बैंगन फ्राई करना है और तेज गैस से फ्राई करना है, गैस को कम नहीं रखना है। 1 मिनट हो चुका है मुझे बैंगन को फ्राई करते हुए, अब मैं बैंगन निकाल लूंगी। मैं सारे बैंगन इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। बैंगन फ्राई हो गई, अब हम आलू फ्राई कर लेते हैं। आलू को हम 90% तक फ्राई करेंगे। जब तक आलू को मैं फ्राई करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आलू हमने 90% तक फ्राई कर लिया, अब आलूओं को भी हम निकाल लेंगे। आलू बैंगन फ्राई करने के बाद ये तेल बचा है, हम तेल और नहीं डालेंगे इसमें। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और साबुत लाल मिर्च, 1 प्याज डाल देंगे रफली चॉप करी हुई और 1 से 1.5 मिनट दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है मुझे प्याज को भूनते हुए, इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें डाल दूंगी 1 रफली चॉप करा टमाटर और मसाले, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे, जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे, तब तक हमें इसको भूनना है। और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी कि जो भी खाएगा ना वो पूछेगा कि आपने सब्जी कैसे बनाई। और ये बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं इस सब्जी को। वैसे बैंगन बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये सब्जी बनाओगे इस मेरी तरीके से तो बच्चे भी बहुत मज़े से खाएंगे। फ्राई करने के बाद सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है एकदम। तो आप इस तरीके से बनाएं आलू बैंगन फ्राई करके, बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनने वाली है। 2 मिनट हो गए मसालों को भूनते हुए, मसाला अच्छे से भून चुका है, जो पानी है वो सारा मसाले से सूख चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम आलू। आलू को भी हम 2 मिनट और अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि जो भी कच्चापन होगा इसके अंदर वो अच्छे से पक जाएगा आलू। तो मैं 2 मिनट और पका लेती हूँ इसको, क्योंकि बैंगन तो हमारे फ्राई हो चुके हैं, वो तो पक चुके हैं अच्छे से। तो आलू रह गए, आलू को हमने 90% पकाया था, थोड़े से कच्चे होंगे हल्के से, तो मैं 2 मिनट के लिए और इसमें भून लूँगी आलू को। पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ऐसी सब्जी है कि आप सफ़र में कहीं जा रहे हो तो आप ये सब्जी बना के ले जा सकते हो, ये गर्मियों में भी सारा दिन ख़राब नहीं होगी। 2 मिनट हो चुके हैं मुझे आलूओं को पकाते हुए, अब इसमें मैं डाल दूँगी बैंगन। हमने इसमें ऑयल ज़्यादा इसीलिए नहीं डाला और फ्राई करने के बाद, क्योंकि जो बैंगन के अंदर है वो ऑयल ऑलरेडी है। अभी सब मिक्स होगा तो इसमें ऑयल अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। तो इसको ढक के 2 मिनट पका, मसाला आया वो बैंगन के अंदर भी अच्छे से लग जाए। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी फ्राई आलू बैंगन। तो ये देखिए साइड में ऑयल आ चुका है, अब गैस कर देंगे बंद। 1 छोटी चम्मच डालूंगी अमचूर पाउडर इसमें और फ्रेश हरा धनिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जो अमचूर डाला है हमने वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी चटपटी फ्राई आलू बैंगन की सब्जी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।